चलो तो कल की क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था, प्रे प्रीडेटर्स ये सब हम लोग समझ रहे थे। आज हम लोगों को मतलब प्रीडेटर्स तक। टॉपिक हम लोगों ने पूरा कवर अप कर लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है कंपटीशन। तो कंपटीशन में सबसे पहले मेरे को बताओ किस किस को बेनिफिट होता है स्पीसीज ए स्पीसीज बी में से। किसी को बेनिफिट नहीं होता। एग्जाम्पल मैंने दिया था मेरे को बायो पढ़ाना है स्थिति को, तो ना मैं उसको बायो पढ़ा रही हूँ स्थिति, ना ही मेरे को फिजिक्स पढ़ा रही है। ओके okay. दोनों का लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो उसको क्या बोलता है कॉम्पिटिशन, बिकॉज दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आ गई। तो कॉम्पिटिशन क्या होता है? कॉम्पिटिशन इज अ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन व्हेन बोथ द स्पीसीज सफर, जब हमारी दोनों की दोनों स्पीसीज सफर करती हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन आपका दो सेम स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है और दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है। सेम स्पीसीज मतलब इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज मतलब इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी आपका हो सकता है। सेम स्पीसीज इंट्रा, डिफरेंट स्पीसीज इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। द कॉम्पिटिशन अकर्स ड्यू टू लिमिटेड सोर्सेज बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अगर कॉम्पिटिशन कब होगा? कॉम्पिटिशन जब होगा कि मेरे पास सोर्सेज बहुत कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल के एग्जाम्पल में 100 चॉकलेट्स और 16 चॉकलेट्स वाला एग्जाम्पल, तो 16 चॉकलेट्स हैं उनको खाने के लिए 20 इंडिविजुअल्स हैं, तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा या नहीं होगा? यस मैम होगा। लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, कंपटीशन सिर्फ तब होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिए हैं, सम टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज, दो स्पीसीज जो एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है वो भी कंपटीशन कर सकती है एक ही कॉमन रिसोर्स के लिए। एक ही रिसोर्स के लिए तो अलग अलग कोई भी स्पीसीज आके कॉम्पिटिशन करेंगी। जैसे कि इन सम शेलो साउथ अमेरिका लेक्स विजिटिंग फ्लामिंगोज एंड वहां की फिशीज, फ्लामिंगोज और फिशेज के बीच में कंपटीशन था। किसको लेके कंपटीशन था वहां पे? जू प्लैंक्टन जो प्लैंकटन्स के कि कौन जू प्लैंक्टोन्स को खाएगा, तो वहां पे ना फ्लामिंगोज खा पाती थी ना ही हमारे रेजिडेंट फिशेस। इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन। इन इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन द फीडिंग इफिशियंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस ड्यू टू इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज, ऑल्सो द सोर्सेस आर अबंडेंट। अगर हम इंटर स्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज में कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, वो एक ही सब्सटेंस एक ही प्रॉपर टाइप के फूड को खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि एक स्पीसीज चाहती है उस फूड को खाना, तो दूसरी वाले स्पीसीज को रोकेगी ना कि वो खा ना पाए उस फूड को, है ना? यस मैम। यही होगा। तो वही लिखा हुआ है कि अगर दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज होती है तो वहां पे एक स्पीसीज का जो फीडिंग एफिशिएंसी वो रिड्यूस हो सकती है। क्यों वो रिड्यूस होगी? बिकॉज दूसरी वाली जो स्पीसीज है वो उनको खाने नहीं देगी, इनहिबिट करेगी वहां पे। ये कब केस आता है? जब हमारे पास रिसोर्सेस अबंडेंट अमाउंट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स इन गैलापागोस, गैलापागोस आइलैंड हम लोगों ने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? यस मैम। यस वही पढ़ा है गैलापागोस मैम। आइलैंड के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हम लोगों ने क्या किया, गैलापागोस आइलैंड पे गए, बहुत सारी वहां पे गोट्स छोड़ दिया। अब गोट्स क्या खाती है? गोट्स हर्बीवोर्स होती हैं, हर्बीवोर्स जितने भी वहां पे ग्रेजिंग ग्रास होगी उसको खाना शुरू करेगी। तो जैसे हम लोगों ने वहां पे गोट को इंट्रोड्यूस कराया, उसकी वजह से मेरे जितने भी टोर्टोइस थे गैलापागोस आइलैंड के वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, क्योंकि पहले टोर्टोइस उन ग्रास को खा रहे थे, लेकिन अब गोट हम लोग वहां पे इंट्रोड्यूस करा दिया, तो अब गोट ने क्या किया, सारा हमारा ग्रेजिंग एनिमल्स है, ग्रेजिंग जितना भी हमारा ग्रासेस था उसको उन्होंने फूड की तरह यूज किया, जिसकी वजह से हमारे टोर्टोइस को कोई फूड नहीं मिला तो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाए। ये आपका यहाँ पे याद कर सकते हो। द नेक्स्ट आता है आपका अ स्पीसीज, ये एग्जांपल याद रखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ गोट इन गैलापागोस आइलैंड, एबिंगटन टोर्टोइस बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड ड्यूरिंग अ ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट्स। अ स्पीसीज Whose distribution is restricted, मतलब हमने क्या किया, एक स्पीसीज को लिया और उस स्पीसीज को ये बोल दिया कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया सिर्फ यहीं पे रहना है, आपको किसी दूसरे एरिया में नहीं जाना है। मतलब एक स्पीसीज को किसी एक एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्ट मैंने कर दिया। क्यों रिस्ट्रिक्ट किया? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीसीज इज फाउंड टू एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज व्हेन कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज इज रिमूव, मतलब किसी दूसरे एरिया में कोई एक ऐसी स्पीसीज मेरे पास अवेलेबल थी जो उससे ज्यादा सुपीरियर थी। अब एक इंफीरियर स्पीसीज है, एक सुपीरियर स्पीसीज है, फ्रॉम
फूड मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट में है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे सारी सुपीरियर स्पीसीज जो है उस फूड को यूज कर लेंगी, इंफीरियर वाली कुछ यूज नहीं कर पाएंगी, कंपटीशन होगा यहाँ पे दोनों में। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारी इंफीरियर वाली स्पीसीज थी उनको एक प्रॉपर एरिया में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आपको सिर्फ इसी जियोग्राफिकल एरिया में रहना है, उस एरिया के अंदर किसी सुपीरियर स्पीसीज को नहीं आने दिया। और या फिर ऐसे भी इसका आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने एक एरिया ऐसे लिया जिस एरिया के अंदर एक सुपीरियर और एक इंफीरियर दो टाइप की स्पीसीज छोड़ दिया वहां पे, ताकि उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन को हम रिमूव कर पाए। कॉम्पिटिशन कैसे रिमूव होगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जितना भी फूड होगा सारी के सारी हमारी सुपीरियर वाली स्पीसीज ही खाएंगे, इंफीरियर वाली नहीं खा पाएंगे कॉम्पिटिशन के केस में, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन करेंगे तो कॉम्पिटिशन का को कोई फायदा नहीं होने वाला है उनके केस में। ये होगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कॉलन इंग्लैंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये हमारा कॉनल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है, एक स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड समझते एक एरिया है, ठीक है। स्कॉटलैंड में क्या हुआ, एक रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड लार्जर एंड कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर बार्निकल बैलेनस डोमिनेट करते थे किसके ऊपर, इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड स्मॉलर बार्निकल कैथेमेलस फ्रॉम दैट जोन। ये लाइन समझ में आया क्या लिखा हुआ, एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था यही वाला सेम चीज, एक इंफीरियर स्पीसीज ले लिया और एक हमारा वहां पे सुपीरियर स्पीसीज ले लिया। सुपीरियर स्पीसीज कौन सा है इसमें यहाँ पे, बार्निकल बैलेनस। हाँ जो हमारा ये बार्निकल बैलेनस है ये हमारा यहाँ पे सुपीरियर स्पीसीज है, और हमारा जो इंफीरियर वाला है, इंफीरियर वाला है हमारा 10 पर कैथेमेलस, कैथलमस। कैथेमेलस हमारा इंफीरियर स्पीसीज है और वो सुपीरियर स्पीसीज है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करके वहां पे देखा गया स्पेसिफिक एरिया, एरिया कौन सा लिया गया, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड ये वाला एरिया लिया गया, वहां पे हमारा बैलेनस को छोड़ा गया एंड कैथेमेलस को छोड़ा गया, इन दोनों को, बैलेनस आपका सुपीरियर है और कैथेमेलस आपका इंफीरियर स्पीसीज है, ऐसे इन लोगों ने स्टेटमेंट को दिया था। फिर इसके बाद आता है मैम, बारने का स्कोर क्या होता है? कौन से वाला, बार्निकल्स आप समझ सकते हो एक टाइप के एनिमल्स ही होते हैं ये सब भी, कैथेमेलस बार्निकल्स छोटे छोटे टाइप के, मतलब बहुत स्मॉलर टाइप के एनिमल्स, आप इनको गूगल पे सर्च करके देखना आपको पता मिल जाएंगे इनकी इमेजेस। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेटिव रिलीज। कॉम्पिटेटिव रिलीज का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है फेनोमेनन ऑफ अ स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीसीज इज फाउंड एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ड्रामेटिकली व्हेन द कॉम्पिटेटिव स्पीसीज इज एक्सपेरिमेंटली। जो ऊपर हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा उसी को हम कॉम्पिटेटिव रिलीज बोला है। दोनों में कुछ डिफरेंस है यहाँ पे, जो अभी मैंने समझाया कि एक हमने स्पीसीज लिया उसको एक एरिया में रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हम लोगों ने कुछ इन सुपीरियर और इंफीरियर दो टाइप के स्पीसीज को रखा और उनका जो सोर्सेस थे उनको बहुत लिमिटेड अमाउंट तक कर दिया, सेम है ना, इसी को कॉम्पिटिटिव रिलीज बोलेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन जनरली मतलब बोर्ड एग्जाम्स में भी आ जाता है आपका, गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो बिकॉज क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपका 101%। तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हमेशा कम्पीट करती है सेम टाइप के रिसोर्सेज के लिए, कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली बाय द सुपीरियर वन। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा पहले वाला ज्योग्राफिकल एरिया में रखा, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारी वहां पे सुपीरियर वाली है वही सर्वाइव करेगी, जो इंफीरियर वाली है वो वहां से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसी प्रिंसिपल को हम गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं, इसी प्रिंसिपल को गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रिसोर्स पार्शनिंग। रिसोर्स पार्शनिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में पार्टीशन कर देना। अब इसके अंदर क्या है, इन विच स्पीसीज फेसिंग कॉम्पिटिशन, ये कैसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी दो स्पीसीज है जिनके बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है, माइट इवोल्व मैकेनिज्म दैट प्रोमोट कर सकता है को एग्जिस्टेंस रेदर देन एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि इंफीरियर वन वाली को एलिमिनेट करना, सुपीरियर वन वाली वहां पे सर्वाइव करेगी। उसके अलावा मतलब एक्सक्लूजन ना होके अगर वहां पे क्या हो जाए, आपका दोनों की दोनों स्पीसीज को एग्जिस्ट कर जाए, मतलब कुछ आपकी सुपीरियर स्पीसीज कुछ आपकी इंफीरियर वाले इंडिविजुअल्स, अगर ऐसा कोई केस हमें देखने के लिए मिलता है तो उसको बोलते हैं रिसोर्सेस पार्शनिंग, मतलब उन्होंने पार्टीशन कर लिया है रिसोर्सेस का। अब रिसोर्सेस का पार्टीशन इंफीरियर सुपीरियर के बीच में हो गया तो दोनों की दोनों सर्वाइव वहां पे कर सकती है। मैक आर्थर शो दैट 5
क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स लिविंग ऑन द सेम ट्री, एक ही ट्री के ऊपर आपकी पांच सेम टाइप की स्पीसीज रह रही थी, वर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन. जब भी उनके बीच में कॉम्पिटिशन ही था, पांचों की पांचों सर्वाइव कर रही थी वहां पे. किस वजह से सर्वाइव कर रही थी? वही रिसोर्सेज पार्टीशन की वजह से. बिकॉज अगर उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता तो वहां पे पांच स्पीसीज नहीं देखने के लिए मिल रही थी मेरे को. अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक से ज्यादा स्पीसीज देखने के लिए मिल रही है और वहां पे रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि वहां पे कॉम्पिटिशन नहीं है किसी भी टाइप का. लेकिन अगर गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग गुनगुन. तो लेकिन अगर वहां पे कॉम्पिटिशन क्या हो रखा है, अगर वहां पे एक स्पीसीज का अमाउंट बहुत ज्यादा, मतलब एक स्पीसीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, एक स्पीसीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ही कम है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वहां पे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हुआ है, कॉम्पिटिटिव रिलीज हुआ है. सारी दोनों इक्वल अमाउंट में सर्वाइव कर रहे हैं, रिसोर्स पार्शनिंग हुआ है वहां पे. सुन रहे हैं? कॉम्पिटिशन भी किस टाइप का हो सकता है? दो सेम स्पीसीज में भी हो सकता है, दो अलग अलग स्पीसीज में भी हो सकता है. अगर दो अलग अलग स्पीसीज है, एक इंफीरियर हो सकती है, एक सुपीरियर हो सकती है, तो ऑब्वियसली बात है जो सुपीरियर वन वाली होगी वही हमारी सर्वाइव करेगी, इंफीरियर वाली सर्वाइव नहीं करेगी. अगर हमें किसी केस में सुपीरियर इंफीरियर दोनों सर्वाइव करती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वहां पे दोनों स्पीसीज का कोएग्जिस्टेंस हुआ है, रिसोर्स पार्शनिंग प्रोसेस हम वहां पे लगाया हुआ है. और इसको किसने बताया था? हमारे मैक आर्थर साइंटिस्ट ने बताया था. कैसे? एक ही सेम ट्री के ऊपर फाइव सेम टाइप की, मतलब सेम ही स्पीसीज की वैरायटीज जो थी हमारी वार्बलर्स, वो देखने के लिए मिल रही थी. सिंपल मैम, गोस्ट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक बार बताना दोबारा से. कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वही प्रिंसिपल है जब एक मैंने रिस्ट्रिक्टेड एक छोटा सा एरिया ले लिया, जियोग्राफिकल एरिया लिया, उस एरिया के अंदर मैंने कुछ स्पीसीज को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि इन स्पीसीज को सिर्फ इसी एरिया में रहना है, इस एरिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, फूड के रिसोर्सेज, किसी भी चीज के रिसोर्स, आपको वही यूज करना है. तो दो अलग अलग अगर मैंने वहां पे स्पीसीज छोड़ा, तो दोनों अलग अलग स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन होगा. अब दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा तो जो सुपीरियर वाली होगी वो तो सर्वाइव कर जाएगी, जो इंफीरियर वाली होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी. देखो पढ़ के क्या लिखा हुआ है. गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, दो सेम टाइप की स्पीसीज, कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज, सेम ही रिसोर्स के लिए. जैसे कि आप सब लोगों यहाँ पे बायो पढ़ने के लिए आए हो, तो अगर आप लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन हो जाएगा, मैंने बोला कि बच्चों आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछो मुझसे, तो आप लोग क्वेश्चन पूछने शुरू किया. सेम टाइम पे अर्षिता बोल रही है, सेम टाइम पे प्रिया बोल रही है, सेम टाइम, मतलब आप लोगों के बीच में कंपटीशन बन गया है कि कौन अपना पहले क्वेश्चन पूछेगा, कौन मैक्सिमम अमाउंट में क्वेश्चन पूछेगा. तो रिजल्ट क्या होने वाला है? सब एक साथ बोलोगे तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो किसी को कोई आंसर नहीं मिलने वाला. ये हुआ कॉम्पिटिशन जिसमें किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है. अब सपोज करो अर्षिता ने क्या किया, अर्षिता का क्या था, माइक बहुत अच्छा था, उसकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड थी, गुनगुन की वॉइस बहुत कम थी, तो अर्षिता यहाँ पे क्या हो गई, सुपीरियर हो गई. अर्षिता की वॉइस मेरे पास आ जाएगी, अर्षिता को मैं उसका क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी. सेम टाइम पे गुनगुन की वॉइस जो बहुत कम है वो इंफीरियर बन जाएगी, उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा. कॉम्पिटिशन हो रहा है सेम रिसोर्सेज के लिए, सिर्फ बायो पढ़ने के लिए. ये चीज, अब वही चीज हुआ, फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, वो दोनों के दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप दोनों दोनों की आवाज नहीं आएगी मेरे ऊपर सामने. अब कंपटीशन में जनरली होगा क्या, जो जिसका इंफीरियर है, जिसकी वॉइस इंफीरियर है, वो एलिमिनेट हो जाएगा, उसको क्वेश्चन नहीं आएगा, बाय द सुपीरियर वन, जो अर्षिता की वॉइस आएगी सुपीरियर. आई हैव समझ में? यस यस मैम. इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगा या फिर कोएग्जिस्ट कर लेंगे दोनों के दोनों. दो ही केसेस बनता है यहाँ पे. फिर नेक्स्ट केस आता है हमारे पास पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासाइट की तरह रहता है, तो पैरासाइट में क्या होता है, एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है ना. यस मैम. एक को बेनिफिट होता है, एक को हार्म होता है. तो इट इज द मोड ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज, दो स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन होता है, जिसमें इन विच वन स्पीसीज पैरासाइट, जो स्पीसीज है, मतलब सपोज करो एक इंसेक्ट ले लिया मैंने कोई भी, वो इंसेक्ट मेरे हैंड के ऊपर रह रहा है, तो वो इंसेक्ट जो डिपेंड है मेरे हैंड के ऊपर, इंसेक्ट पैरासाइट हो गया और मैं क्या बन गई, होस्ट बन गई. पैरासाइट और होस्ट, पैरासाइट जो रह रहा है, जो डिपेंडेंट है और जिसकी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमारा होस्ट हो गया. अब वो कोई भी इंसेक्ट मेरी बॉडी के ऊपर क्यों रहेगा, मेरी बॉडी से फूड लेने के लिए, ब्लड लेने के लिए, इन सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट रहेगा. एंड इन दिस प्रोसेस सिर्फ जो इंसेक्ट आके मेरी बॉडी के ऊपर रह रहा है, उस इंसेक्ट को तो फायदा हो रहा है, बेनिफिशियल है उसके लिए तो, लेकिन मेरी बॉडी से फूड ले रहा है, मेरी बॉडी से ब्लड ले रहा है, तो मुझे तो नुकसान हो रहा है. हमेशा होस्ट को ही यहाँ पे डैमेज होता है. इन दिस प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, बेनिफिट हमेशा पैरासाइट को होगा, हार्म किसको होगा, होस्ट को होगा. ये तो बहुत छोटी सी चीज है, पैरासाइट वाला हम लोगों को पता है.
अब आता है कि पैरासाइट के अंदर क्या क्या अडेप्टेशन हो सकते हैं. पैरासाइट हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक इन सच अ मैनर दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व. इसका मतलब ये है, पैरासाइट अगर हम चाहते हैं कि जो पैरासिटम वाला प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म में चलता रहे, तो लॉन्ग टर्म में चलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पैरासाइट को इस वे में मतलब वो अपने अंदर इस तरीके से अडेप्टेशन करे या फिर अपने अंदर वो इवोल्यूशन करे कि वो होस्ट स्पेसिफिक बन जाए. मतलब कोई इंसेक्ट आके मेरी बॉडी के ऊपर रह रहा है, तो मेरी बॉडी के ऊपर अगर आके रह रहा है तो उसको जो फायदा हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन सेम टाइम पे जो मुझे लॉस हो रहा है, जो मुझे हार्म हो रहा है, अगर वो हार्म होना कम हो जाए तो इस केस में हम दोनों को फायदा हो सकता है. हो सकता है ना, मतलब मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा बट बेनिफिट भी नहीं होगा, कोई लॉस भी नहीं होगा, सॉरी, उस केस में. ऐसे अगर हमारा कोई भी पैरासाइट अपने आप को अडेप्ट कर लेता है. नेक्स्ट देखो, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन एज दे डू नॉट इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल जैसे आईज, एज दे आर फाउंड इन एन एनवायरनमेंट दैट लेक नाइट. इसका मतलब क्या हुआ, जो इतने भी अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स हैं जिनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई इंट्रैक्शन नहीं है, जनरली आईज किसके पास, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डार्क में रहते हैं हमेशा. अब वो डार्क में रहते हैं, उनकी आईज की क्या जरूरत है, उनकी एक टाइम आएगा कि उनकी आईज एलिमिनेट हो जाएंगी, है ना. वेस्टिजियल ऑर्गन कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे स्नेक्स के अंदर लिप्स हो गए थे हमारे, इस टाइप का एग्जाम्पल. तो ये पैरासाइट के अंदर भी हो सकता है. प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सकर्स टू क्लिंग टू होस्ट, मतलब होस्ट की बॉडी से स्टिक होने के लिए हमारा जो पैरासाइट है वो अपने अंदर कुछ एडहेसिव ऑर्गन्स को इवॉल्व कर सकता है ताकि ज्यादा अमाउंट तक और बहुत स्ट्रांगली स्टिक रह पाए, ये हो सकता है. लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंक्रीज चांसेस ऑफ सर्वाइवल, मतलब वो क्या करे, अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को लॉस कर दे. क्यों डाइजेस्टिव ऑर्गन से लॉस कर दे, बिकॉज वो मेरी बॉडी के ऊपर रह रहा है, तो मेरे ब्लड के अंदर से जो फूड लेगा वो किस फॉर्म में होगा, ब्लड, ब्लड के अंदर जो फूड है वो डाइजेस्टेड होता है, बिकॉज मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको डाइजेस्ट कर दिया है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो मेरे ब्लड तक जाता है, मतलब सेल्स तक जाता है. तो उसको, अब हमारा जो पैरासाइट है उसको डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो डायरेक्टली किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है, होस्ट की बॉडी उसको डाइजेस्टेड वाला फूड देगी, ये हो सकता है. हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी वो अपने अंदर कर सकते हैं, अपनी अमाउंट, अपना स्पीसीज के काउंट ज्यादा बढ़ा सकते हैं. प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव, वही एडहेसिव ऑर्गन्स वाला, अगर कोई एडहेसिव पार्ट उनके पास प्रेजेंट होना चाहिए. लॉस ऑफ क्लोरोफिल, अपनी अगर सपोज कोई ग्रीन एल्गी है या कुछ इस टाइप का आपका प्लांट है, एक प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर होस्ट की तरह रह रहा है, तो वहां पे वो जो प्लांट है मेरा, वो प्लांट अपने क्लोरोफिल को लॉस कर सकता है. या क्यों, क्योंकि जिस प्लांट के ऊपर रह रहा है वो उससे फूड लेगा, वो प्लांट ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना रहा होगा. प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन होस्ट टू फैसिलिटेट पैरासिटाइजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट, हो सकता है कि एक ही होस्ट के ऊपर एक से, मतलब एक ही आपका जो पैरासाइट है उसकी कंडीशंस बढ़ जाए ज्यादा, कि वो एक से ज्यादा होस्ट की बॉडी के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है. ये एग्स रिजेंबल द होस्ट एग इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग देम, मतलब जो एग्स है हमारा, जो पैरासाइट है उसके एग और जो होस्ट होगा उनके दोनों के एग, हो सकता है कि वो साइज में कलर में रिजेंबल ना करे, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग देम, ताकि होस्ट बर्ड को ये पता चल जाए कि वहां पे कोई पैरासाइट की तरह आपका रह रहा है कोई दूसरी बर्ड जिसने अपने एग्स ले किए हैं. ये बर्ड वाले केसेस में चलेगा, एक पैरासाइट की तरह एक नेस्ट में रह रही थी और एक हमारा होस्ट वाली बर्ड थी, तो दोनों ने एग ले किया, अगर सेम साइज होगा सेम ही कलर होगा तो होस्ट बर्ड वहां पे डिटेक्ट कर सकती है उसको कि कोई पैरासाइट की तरह वहां पे रह रहा है. नेक्स्ट, द लाइफ साइकिल ऑफ सम पैरासाइट्स की जो लाइफ साइकिल है तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. वेयर वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट और वैक्टर्स टू फैसिलिटेट पैरासिटाइजेशन आर प्रेजेंट, मतलब कुछ पैरासाइट्स को एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत पड़ती है. जैसे कि हम लोग ने मलेरिया वाले केस में पढ़ा था ना, मलेरिया में प्राइमरी होस्ट कौन था, सेकेंडरी कौन था और इंटरमीडिएट कौन था, बताओ बोलो बच्चों. हम प्राइमरी थे और सेकेंडरी जो था वो मॉस्किटोस था. प्राइमरी होस्ट था हमारा मॉस्किटो था, है ना,
और ह्यूमन जो कौन था, वो कौन कैसा होस्ट था, ह्यूमन या मैन? मैम सेकेंडरी सेकेंडरी इंटरमीडिएट था। मैम, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मैंने पूछा बेटा, जो मलेरिया की जो मैं साइकिल बढ़ाई थी, मलेरिया की साइकिल में प्राइमरी, सेकेंडरी और इंटरमीडिएट, इन तीनों होस्ट के नाम बताओ मेरे को। प्राइमरी होस्ट तो हमारा मॉस्किटो था, फीमेल यस मैम, फीमेल एनोफिलीज की बॉडी के अंदर मॉस्किटो में हमारा प्लाज्मोडियम रहता था, फिर वो मॉस्किटो से हमारी बॉडी के अंदर आता था, फिर हमारी बॉडी यस वापस मैम, मॉस्किटो की बॉडी में जाता था, वापस मॉस्किटो। तो हम इंटरमीडिएट होस्ट हुए ना। तो इसका मतलब जो प्लाज्मोडियम है, पैरासाइट है वो, उसको देखो कितने होस्ट की जरूरत पड़ रही है, पहले उसको फीमेल एनोफिलीज की, फिर ह्यूमंस की बॉडी में आया, फिर वापस उसकी बॉडी में चला गया ये चीज। तो वो भी तो एक पैरासाइट है ना, तो उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी में वो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और मॉस्किटो की बॉडी में वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो ये भी बोल रहे हैं कि कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जिनकी जो लाइफ साइकिल है तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उनको अपनी पूरी लाइफ साइकिल को फिनिश करने के लिए एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, अगर यस प्लाज्मोडियम मैम, भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाते, तो हम आजकल हमें मलेरिया डिसीज कभी नहीं होती, अगर इस पैरासाइट की लाइफ साइकिल सिंपल होती तो मलेरिया डिसीज होती ही नहीं किसी को भी। ये आता है जैसे कि एक और एग्जांपल, पैरासाइट वाला तो हमने देख लिया, प्लाज्मोडियम वाला, एक लीवर फ्लूक वाला एग्जांपल है हमारा। लीवर फ्लूक में भी दो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, एक फिश होता है और एक स्नेल होता है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ये चीज हुआ। देन मेजोरिटी जो होती है पैरासाइट हार्म द होस्ट को हार्म ही करते हैं बाय रिड्यूसिंग द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट, ऐसे उसको हार्म कर सकते हैं। दे रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक बना देते हैं होस्ट को, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी रिड्यूस हो सकती है। दो टाइप के पैरासाइट हो सकते हैं, एंडो और एक्टो। एंडो वो पैरासाइट होता है जो बॉडी के अंदर रहते हैं, बॉडी के किसी ऑर्गन में रहते हैं, जैसे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, इन सब में। एक्टो वो होता है जो बॉडी के एक्सटर्नल सर्फेस पे रहते हैं, वो एक्टो पैरासाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स याद रख लेना, एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड करो इसमें से एक्टो पैरासाइट कौन सा है, एंडो पैरासाइट कौन सा है। एंडो में याद रखोगे टेपवॉर्म, लीवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम। एक्टो में याद रखोगे लीस ऑन ह्यूमंस, टिक ऑन डॉग्स, या फिर पॉपीपोड्स, या फिर कैस्क्यूटा, ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्रॉड पैरासाइट्स। ब्रॉड पैरासाइट्स क्या होते हैं? द फेनोमेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ब्रॉड पैरासाइट। एग्स ऑफ पैरासिटिक बर्ड्स हैव इवॉल्व टू रिजेंबल होस्ट एग इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट डिटेक्ट। अभी जो मैंने आप लोगों को बर्ड वाला एग्जाम्पल समझाया था ना, कि अगर बर्ड का और जो पैरासाइट वहां पे रह रहा है उसका, दोनों का एग सेम होगा तो हमारा होस्ट जो बर्ड है वो डिटेक्ट कर सकती है कि यहाँ पे कोई दूसरा एग आया है। सेम ही है लेकिन ये आया कहाँ से, तो इट मीन्स कोई ना कोई वहां पे पैरासाइट की तरह रह रहा होगा। तो क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म पैरासाइट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के नेस्ट में, नेस्ट समझते हो घोंसला, उसमें एग ले कर रहा होता है, इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासाइट। और एग्जाम्पल इसका क्या होता है, एग्जाम्पल वही कुकू जो हमारी बर्ड होती है, वो क्रॉ के जो नेस्ट होता है कोआ, उसके उसमें एग ले करती है। तो कुकू यहाँ पे क्या हो गई, एक पैरासाइट हो गई, और क्रो क्या हो गया, हमारा यहाँ पे होस्ट हो गया। ठीक है, ब्रूड यस मैम, पैरासाइट का ये भी आपको याद रखना है कि हम क्या यहाँ पे इवोल्यूशन क्या करा सकते हैं, क्या इवॉल्व कराना है। तो इवॉल्व हम लोगों को क्या कराना है, यहाँ पे होस्ट का जो एग है और जो पैरासाइट का एग है, उन दोनों का साइज और कलर को डिफरेंट वो बना सकते हैं। मैम डिफरेंट नहीं, सेम रखेंगे ना? बेटा होंगे, अगर सेम होंगे तो हमारा होस्ट तो उसको फाइंड ही करना, हमें इवॉल्व बताना है कि कैसे पैरासाइट अपने आप को इवॉल्व कर सकता है। यहाँ पे सेम हो सकता है लेकिन हमें यहाँ पे बात करनी है कि कैसे इवॉल्व करे वो, ताकि होस्ट उसको किल ना कर पाए, होस्ट पैरासाइट को, वो मतलब जो हमारा पैरासाइट है उसका सर्वाइवल के चांसेस बढ़े, वो वाले एडेप्टेशन हम पढ़ रहे हैं कि कैसे पैरासाइट ज्यादा टाइम तक किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर रह सकता है। देखो फिर से पढ़ो, एग ऑफ पैरासाइट बर्ड्स हैव इवॉल्व, जो पैरासाइट बर्ड्स थी उसने अपने आप को इवॉल्व किया टू रिजेंबल होस्ट एग इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट, मतलब से हाँ सेम किया इन्होंने अपने लोगों अपने आप को।
ताकि वो आइडेंटिफाई ना कर पाए। है समझ में? मतलब यस मैम, रिजेम्बलेंस बनानी है दोनों एग्स में। रिजेम्बलेंस दोनों एग्स में बनाएंगे तो जिसकी वजह से होस्ट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो उसको पता नहीं लगेगा कि कोई दूसरी एनिमल का यहाँ पे एग आया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में क्या होता है? एक को प्लस, एक को जीरो। एक को बेनिफिट होता है, एक को कुछ नहीं होता। कॉमन सेलिज्म की एग्जाम्पल्स देखो। कॉमन सेलिज्म का पहला एग्जाम्पल है हमारा ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ट्री। मैंगो ट्री ऑर्किड ग्रो कर रहा है एक एपीफाइट। एपीफाइट समझते हो क्या होता है? नो एपीफाइट मैम, नो फाइट मैम, का मतलब क्या होता है? PHYTE प्लांट प्लांट होता है। और एपी का मतलब आई डोंट नो। एपीफाइट, ऐसे मतलब एक एपीफाइट वो प्लांट, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा ना एंडो पैरासाइट, तो पैरासाइट वहां पे किसी एनिमल की बॉडी के ऊपर रह रहे थे। एपीफाइट मेरे वो पैरासाइट होते हैं जो किसी प्लांट की बॉडी, मतलब एक प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर अगर रह रहा है एज अ पैरासाइट, एपी फाइट उसको बोलता है। एक प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे जो ऑर्किड प्लांट होता है वो ग्रो करता है मैंगो ट्री के ऊपर एज अ एपीफाइट। एक प्लांट दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर एज अ होस्ट रहेगा, एज अ पैरासाइट रहेगा किसी। पैरासाइट की तरह रहता है बट वो हार्म नहीं करता। हाँ, हार्म नहीं करता, बस बेनिफिट वहां से ले रहा होता है। दूसरे वाले प्लांट को कोई हार्म नहीं करता, कोई बेनिफिट नहीं देता। ऑर्किड को क्या मिल जाता है? ऑर्किड को सिर्फ हमारा मैंगो ट्री से शेल्टर मिल जाता है, रहने की एक जगह मिल जाती है, न्यूट्रिशन मिल जाता है फ्रॉम मैंगो ट्री, जबकि मैंगो ट्री से उसको कुछ फायदा नहीं होता ऑर्किड से। यस मैम, एंड जनरली जितने भी हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं ना, वही एपीफाइट, उन्हीं के ऊपर एपीफाइट की तरह रह जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बार्निकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल। व्हेल की जो बैक होता है उसके ऊपर बार्निकल ग्रो करता है। बार्निकल को क्या मिलता है? बार्निकल को बेनिफिट होगा और व्हेल को कोई बेनिफिट कोई हार्म नहीं होगा। उसको सिर्फ क्या मिल जाता है? डिफरेंट, जहां जहां पे हमारी व्हेल जाएगी वो भी उधर उधर लोकेशंस में जाएगा, उसको फूड सर्चिंग वाला एरिया ज्यादा मिल जाता है और शेल्टर साथ में मिलता ही मिलता है। यहाँ ठीक है ये वाला चीज। पे चलो ये याद रखना। और नेक्स्ट आता है द एग्रेट आर इन क्लोज एसोसिएशन ऑफ ग्रेजिंग कैटल। ग्रेजिंग कैटल्स हो, जैसे काउज हो गए, बफेलोज हो गए, उनके क्लोज एसोसिएशन में हमारे रहते हैं एग्रेट्स। एग्रेट्स क्या होता है? एग्रेट्स जैसे होते ना, अभी तो मोस्टली नहीं पाए जाते, जैसे डक होती है व्हाइट कलर से, डक कुछ डक के जैसे ही दिखते हैं, बस डक का तो साइज थोड़ा छोटा होता है, इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है और नेक भी इनकी थोड़ी लॉन्ग होती है, इस टाइप के होते हैं ये। ये जनरली कहाँ पे रहता है? ग्रेजिंग कैटल्स के साथ रहता है। जैसे कैटल्स जहां जहां जाएंगे ग्रेजिंग करने के लिए, उनके साथ साथ ये चलते रहते हैं। कैटल एग्रेट आर बेनिफिटेड बाय द कैटल टू डिटेक्ट इंसेक्ट्स बिकॉज कैटल स्टिर अप द बशेस जो एंड इंसेक्ट्स आर फ्लश आउट फ्रॉम द वेजिटेशन टू बी डिटेक्टेड बाय कैटल एग्रेट। अब कैसे समझ में आया? जैसे कि कोई कैटल जा रहा है, कैटल जा रहा है तो जितने भी वहां पे ग्रासेस होंगे, बशेस, बशेस समझते हो, झाड़ टाइप से होता है ना, जंगली घास फूस टाइप, उसमें जाएगा तो उसके ऊपर जो भी इंसेक्ट्स बैठे रहते हैं, तो जैसे उनको खाने की कोशिश कर, अभी आप सपोज देखो कि आप अपने रूम में किसी कॉर्नर में, बहुत कॉर्नर में जाना, कॉर्नर में कोई चीज होगी उसको टच करना, उसके ऊपर जितने भी मच्छर वगैरह बैठे रहेंगे वो एकदम से उड़ने लग जाएंगे सबके सब। आपने जैसे ही जाके उसको टच किया या कुछ एक्टिविटी वहां पे दिखाया, होता है नहीं होता ये चीज? सेम यस मैम, यस केस को यहाँ पे बात कर रहे हैं ये। जैसे ग्रेजिंग कैटल्स जाएंगे हमारे प्लांट्स के ऊपर या ग्रासेस या ब्रशेस इनके ऊपर जाएंगे, तो उनके ऊपर जितने भी हमारे इंसेक्ट्स बैठे रहते हैं वो इंसेक्ट्स सारे के सारे उठ जाएंगे वहां से, और ये हमारे एग्रेट्स उनको खा लेंगे बस। तो इसमें हमारे एग्रेट को तो फायदा हो रहा है, उनको इंसेक्ट्स खाने के लिए उनको सर्च नहीं करना पड़ रहा है इंसेक्ट्स को,
जहां जहां ग्रेजिंग कैटल जाएंगे उनके पीछे पीछे निकल लेंगे। ग्रेजिंग कैटल को ना फायदा हो रहा ना ही कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है। कॉमन सेलिज्म सी एनेमोन में भी पाया जाता है। सी एनेमोन के ऊपर होता है स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं। सी एनेमोन कौन से उसमें आता है किंगडम में बताओ स्तुति? एनिमल किंगडम पढ़ाया है ना आपको तो मैंने। मेलिफेरा, स्टिंगिंग टेंटिकल्स किसके ऊपर थे? टीनोफोरा। टीनोफोरा के ऊपर थे। हाँ मैं वही तो बोला, सिनिडिया वाला ना। भाई, ये तो कॉमन सेलिज्म फाउंड होता है सी एनेमोन्स में। स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं एंड द क्लाउन फिश। क्लाउन फिश और सी एनेमोन के बीच में फिश इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर। फिश प्रीडेटर से प्रोटेक्टेड रहती है एंड सी एनेमोन को कोई हार्म नहीं होता, कुछ नहीं होता। मतलब फिशेस सी एनेमोन के साथ रहती हैं, बस इतना काम होता है यहाँ पे। और जैसे ही अब कैसे हो रहा है सी एनेमोन के ऊपर वो स्टिंगिंग है। अब स्टिंगिंग हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, स्टिंगिंग उनको किसी प्रीडेटर से बचाने में भी हेल्प कर रही थी। लाइन लिखी हुई थी ना वहाँ पे, प्रीडेटर से भी बचाने में हेल्प करता है। तो इनको खुद को तो प्रीडेटर से बचा ही लेते हैं, फिश इनके साथ चिपकी हुई है, फिशेज भी बेचारी हमारी प्रीडेटर से बच जाएंगी इस केस में। तो फिशेज को क्या मिल रहा है? फिशेज प्रीडेटर से बच रही है, उनको बेनिफिट हो रहा है। सी एनिमल को कुछ नहीं हो रहा है, ना बेनिफिट ना ही हार्म। चार एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। मेनली क्वेश्चन यहीं से आपको दिखेगा कॉमन सेलिज्म से, ठीक है। नेक्स्ट ठीक केस आता है एवेंजेलिज्म। एवेंजेलिज्म में क्या होता है? दो अलग अलग स्पीसीज होती है, एक स्पीसीज को हार्म होता है, दूसरी स्पीसीज को कुछ नहीं होता। इसका एग्जाम्पल देखो, हमारा जो पेनिसिलियम होता है, पेनिसिलियम अपने अंदर से केमिकल सिक्रीट करता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होता है? एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी ये दिखाता है। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी में क्या करेगा ये, क्या करता है? बैक्टीरियाज को किल करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। एंड जो हमारे पेनिसिलियम है इसके उसको कुछ फायदा नहीं होता, इसको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। देखो पेनिसिलियम एक अपने अंदर से केमिकल सिक्रीट कर रहा है पेनिसिलिन, जो बैक्टीरियाज को किल कर, तो बैक्टीरिया के ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, मतलब उनको हार्म हो रहा है। एक स्पीसीज को हार्म हुआ और सेम टाइम पे पेनिसिलिन को ना हार्म हो रहा ना बेनिफिट हो रहा, जीरो। आया समझ में? -0 कैसे आया? यस मैम। बैक्टीरिया को हार्म हो रहा है इसलिए उनपे जीरो आ गया, और हमारे पेनिसिलियम पे कुछ नहीं हो रहा है इसलिए मैम इनके इसके ऊपर। बारे में एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा। एनसीआरटी में किसके बारे में? मैम एमएनसेलिज्म के बारे में नहीं लिख रखा। बस ये एग्जाम्पल एक ही है इसका, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नहीं है इतना। सबसे ज्यादा तो कॉमन सेलिज्म पे आता है, मेंसेलिज्म पे इतने एग्जाम्पल्स हम लोगों को मिलते नहीं। नेक्स्ट आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म वाले पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसके भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? दोनों को बेनिफिट होता है ना, दोनों म्यूचुअल को भी फायदा। दोनों को फायदा होता है। एग्जाम्पल पहला लाइकन, हम लोगों को पता है लाइकन में एल्गी और फंजाई रहते हैं। एल्गी क्या करता है? फूड बना के देता है, फंजाई उसको शेल्टर और मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करा देता है, दोनों को फायदा हो रहा होता है वहां पे। माइकोराइजम में क्या होता है? माइकोराइजम में मेरी फंगस होती है और एक पाइनस प्लांट होता है, उसका हायर रूट्स के साथ वो रहता है, तो फंगस और पाइनस दोनों के बीच में क्लोज एसोसिएशन रहता है। फंजाई उसको क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करा के देता है, और सेम टाइम पे प्लांट प्लांट को क्या मिल रहा है? प्लांट को, प्लांट के अंदर क्या करेगा ये? रूट्स में क्या कर रहा होता है? रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ा रहा होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए, है अच्छा ना। ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा, और ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा तो उसके जो सीड्स है वो जल्दी जर्मिनेट हो पाएंगे। इसलिए म्यूचुअलिज्म में प्लांट और एनिमल्स में भी पाया जाता है। प्लांट्स टेक द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, वो जो हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन, बैट के थ्रू पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है। तो प्लांट को भी हेल्प मिल रहा है और इंसेक्ट्स को क्या हेल्प मिल रहा है? इंसेक्ट्स को प्लांट से नेक्टर मिल जाता है, प्लांट से, है ना। यस ऑर्किड, मैम। ऑर्किड हैव इवॉल्व टू अट्रैक्ट राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट्स। ऑर्किड्स के अंदर क्या होता है? वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकती हैं इजीली, जैसे कि मेडिटेरियन ऑर्किड जो होता है, एग्जाम्पल याद रखना बच्चों, ये ओफाइरस म्यूस्किफेरा, ये क्या करता है? एम्प्लॉय करता है सेक्सुअल डिसाइड टू गेट पॉलिनेटेड बाय द पी स्पीसीज, बी की स्पीसीज से, मतलब अपने अंदर से एक केमिकल सिक्रीट करता है, और वो केमिकल क्या हेल्प करता है? हमारा बीस को उसकी साइड अट्रैक्ट करता है।
कि बीज उसके पास आएंगे, एक अट्रैक्शन वो देता है. वन पेटल ऑफ फ्लावर रिजेंबल फीमेल बी इन साइज कलर मार्किंग एंड मेल बी जो होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है एंड सूडो कॉपुलेशन हो जाता है यहीं पे. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ सूडो कॉपुलेशन पोलन ग्रेन जो होता है वो डस्ट हो जाते हैं ऑन द बॉडी ऑफ मेल बी. विद सच पोलन डस्ट मेल बी सूडो कॉपुलेट टू अनादर फ्लावर, मतलब वो मेल बी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा सेम ही स्पीसीज के फ्लावर पे एंड जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है. हियर वी सी कोइवोल्यूशन. इफ फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंज ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑर्किड फ्लावर ऑल्सो कोइवोल्व टू रिमेन रिजेम्बलेंस ऑफ पेटल्स टू फीमेल बी. ये एग्जाम्पल हुआ हमारा. सिर्फ याद क्या रखना है, ओफायरस मस्कीफेरा एक प्लांट होता है जिस पॉलिनेशन कराने के लिए बीज की स्पीसीज के लिए एक सेक्सुअल डिसाइट यहाँ पे प्रोड्यूस कराता है. कैसे कराता है, इसका जो फ्लावर होता है इसके फ्लावर की पेटल बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है जैसे फीमेल बी होती है, तो फीमेल बी के जैसा बिल्कुल होता है तो मेल बी उसकी साइड अट्रैक्ट हो जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन. अब कॉपुलेशन के टाइम पे अगर सपोज हम वहाँ पे उसको फीमेल बी भी मिल गई तो वहाँ पे कॉपुलेशन होगा एंड उसी टाइम पे आपका पोलन ग्रेन्स अगर डस्ट हुए तो पोलन ग्रेन्स मेल बी के बॉडी से स्टक हो जाएंगे उनके लेग से, फिर मेल बी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएंगे बिकॉज सारे फ्लावर्स का जो एक पेटल है वो फीमेल बी के जैसा है, तो इसी प्रोसेस में आपका यहाँ पे हो जाएगा पॉलिनेशन. दोनों को फायदा हो रहा है पॉलिनेशन कराने के लिए, बी स्पीसीज को वहां पे उनका रिप्रोडक्शन हो रहा है और हमारा ऑर्किड का पॉलिनेशन हो रहा है. अभी केस बोलते हैं कोइवोल्यूशन का कि सपोज करो हमारा जो फीमेल बी है मतलब जो रियल वाली फीमेल बी है उसने अपना साइज अपना कलर पैटर्न चेंज कर लिया तो मेल बी हमारा फ्लावर की साइड नहीं आ पाएगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो ये ओफायरस मस्कीफेरा प्लांट है ये भी अपनी पेटल को उसी वे में चेंज कर लेगा जैसा फीमेल बी ने अपने आप को चेंज किया, सेम वे में इसको चेंज करेगा तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. नेक्स्ट कोइवोल्यूशन इज ऑल्सो सीन इन मेनी स्पीसीज ऑफ जैसे कि फिग ट्रीज विच आर पॉलिनेटेड बाय द स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ वेस. फिग ट्री और वेस के बीच में भी आपका पॉलिनेशन इसी में होता है. फीमेल वेस यूजेस फ्रूट फॉर ओविपोजिशन एंड ऑल्सो यूज डेवलपिंग सीड्स विद इन फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा. वेस्प क्या करता है, इस फिग ट्री का पॉलिनेशन कराने में हेल्प करता है. वाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट्स इन रिटर्न फिग ऑफर द वेस्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स एज फूड फॉर द डेवलपिंग वेस्प. मतलब जो वेस्प है इसको एक जगह मिल जाती है फिग ट्री के अंदर अपना क्या करने के लिए, ओव्यूलेशन करने के लिए, मतलब अपने एग्स ले करने के लिए एक जगह मिल जाएगी फिग ट्री के अंदर. और फिग ट्री को क्या फायदा मिल रहा है, फिग ट्री को फायदा हो रहा है कि उसका पॉलिनेशन हो जाएगा और साथ में फिग ट्री वेस्प को अपने कुछ डेवलपिंग सीड्स भी खाने के लिए ऑफर कर देता है, तो दोनों को फायदा हो रहा है फिग ट्री को भी और वेस्प. ये फिग ट्री और वेस्प वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाया जाता है. बताओ आया समझ में. यस मैम, ये यस मैम. सूडो कॉपुलेट्स क्या है? बेटा सूडो कॉपुलेशन यहाँ पे ना मतलब कॉपुलेशन प्रोसेस तो आप समझते हो, कॉपुलेशन इज द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो सूडो का मतलब ये होता है कि कंप्लीट कॉपुलेशन नहीं हो पाता है यहाँ पे, इसलिए टर्म यूज किया सूडो कॉपुलेशन. बिकॉज बाय चांस अगर यहाँ पे फीमेल भी नहीं होगा तो कॉपुलेशन नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ वो आएगा पोलन ग्रेन वहां पे आपका डस्ट होगा तो पोलन ग्रेन से स्टिक होके किसी दूसरे प्लांट पे जा सकता है. ओके मैम. जो ये वास्प और इसका फिग ट्री का ये एग्जांपल हमने उसमें भी पढ़ा था ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर प्लांट्स में यूका और यूका फ्लावर और वास्प का. यूका वाला तो यूका फ्लावर जो था वो फिग ट्री तो होता है. ओके चलो ये क्लियर हुआ, अब जरा इसका डीबी भी देख ले कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से यस मैम. ताकि हम लोगों को आइडिया लग जाए हम लोगों ने कैसे पढ़ा है. एक सेकेंड देना मेरे को, डीपी भी ओपन कर लूं. वैसे तो टाइम बचा नहीं है क्लास में, बट फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे.
नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट? अच्छा, मंडे से तो आप लोगों के नए बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, ओके मंडे से टाइम टेबल आई होप चेंज हो रहा है। एंड स्तुति आपका और अर्षिता आप लोगों का, हो सकता है आप लोगों का B02। अच्छा बच्चे, आप लोग यहाँ पे ग्रुप नंबर 8, 9, 10, 11 से भी हो ना? यस मैम, यस मैम। हाँ, कितने बच्चे, एक बार हैंड रेज करके बताना, 8, 9, 10, 11 वाले कितने हैं यहाँ? मैचेस भी चेंज होंगे। 5 बच्चे हैं। मैम मैं तो 1 के आ ठीक, गई, ग्रुप 1 के आ गई गलती अरे ग्रुप 1 और ग्रुप 6 वाले भी हैं यहाँ पे, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 6 और 8, 9, 10, 11 तक के मैचेस के हैं यहाँ पे, है ना? से। मैम ग्रुप 10 में भी है। ग्रुप 7 में तो मानसी मैम पढ़ाती हैं, कोई नहीं। हाँ तो बच्चों देखो, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोगों के मंडे से वैसे पॉसिबिलिटी है कि चेंज हो, टीचर्स आप लोगों के चेंज हो सकता है। मैम बोलो। मैम आप क्या बोल रहे थे, अर्षिता और मैं? हाँ अर्षिता और आपका मैं ये बता रही थी कि आप लोग ना B02 में आओगे आई गेस, जिस भी बैच में आप आओगे ना, तो पहला आप क्लास से टीचर से पूछ लेना बैच कौन सा है आपका, और फिर ग्रुप में मैसेज कर देना कि कोई मेरे को B02 ग्रुप नंबर 4 और 5 वाला लिंक ले लेना किसी से, यस मैं वो जो खुशबू मैम भी मुझे कहेंगी। मैसेज कर देना, ओके मैम, मैं आप लोगों को ग्रुप नंबर 4 और 5 का, आप दोनों ग्रुप 4 और 5 में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि बैच 01 मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों का बैच 1 है शायद से। स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ, यस मैम। कुछ क्वेश्चंस लगेंगे आप लोगों को, थोड़े से आउट होंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया, वैसे नीट के भी ट्राई किया, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कवर, एट लेट्स सी कितने होते हैं। मैम बैच 5 देखो आप पढ़ा रहे हो? हाँ, बैच 5 में पढ़ा रही हूँ, लेकिन बैच 5 के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे बैचेस में भी गए, मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे सपोज करो एक बैच में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 में से 45 या 50 के आसपास मेरे पास से आ जाएंगे, कुछ 50 के आसपास दूसरे टीचर के पास चले जाएंगे, तो अगर आप लोगों में से आपको मतलब टीचर चेंज हो जाता है बाय चांस, आपके बायो टीचर को कंफर्म करना, तो तब आप मेरे ग्रुप का लिंक लेके आ जाना, बट मुझसे एक बार बात कर लेना कौन से ग्रुप का लिंक लेना है, फिर मैं उसी वे में आपको लिंक दूंगी कि जिस वे मैं पहले 12th पढ़ा रही हूँ, ठीक है? ओके बट मैम, अर्षिता और स्तुति आप दोनों का तो क्लियर है, आप लोगों को मैं B02 में ऐड करने वाली हूँ, और बाकी जितने हैं यहाँ पे दिव्या गुनगुन, ये सारे के सारे बच्चे मेरे पास B05 में आ जाएंगे। आप बैच 5 को पढ़ाओगे? मतलब हाँ मैं बैच 5 को पढ़ाऊंगी, मैम बैच 5 में खुशबू मैम भी पढ़ाएंगी? हाँ खुशबू मैम भी पढ़ाएंगे बैच 5 में। मैम मैं किस बैच में हूँ? नितिका बेटा, ऐसे मेरे को याद नहीं है ना, इतने सारे बच्चे, 3,000 बच्चे हैं, बट मैं बता रही हूँ आपको, मंडे में जाना, आपका एक बार क्लासेस लेना मंडे वाली, और क्लासेस लेके तब डिसाइड, मतलब क्लास में आके मुझसे एक बार कंसल्ट कर लेना कि मेरा ये क्लास हुआ, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन से ग्रुप में शिफ्ट होना है फिर, ठीक है? ऐसे मैम मुझे आप या तो 12 आवर्स वाले ग्रुप में ऐड कर लीजिए। ठीक है, मैं 12 वाले मैं आपको B02 में ऐड कर दूंगी फिर, वैसे हो ओके मैम, चुका है पहले से हूँ इसलिए अभी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट एक बार आप क्लासेस लेना उस हिसाब से पता चलेगा। ओके मैम। चलो क्वेश्चंस कर लो अभी जल्दी जल्दी से। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज अ हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स? ऑर्गेनिजम्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें थी? अब ऑर्गेनिजम्स की डेंसिटी, वो जो ग्राफ बनाया था ना हम लोगों ने, वो ग्राफ देख रहे थे, सबसे ज्यादा कहाँ पे था उसमें? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यस मैम, है ना? यस तानिया,
तानिया कोई डाउट है बेटा? देखो जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा उस क्वेश्चन का, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो उस क्वेश्चन का लिख के, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जहां पे नोट्स बनाए हैं वहीं पे नोट एड ऑन करते रहो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स ऐसे कुछ करके लिख दो। इवन मैं खुद भी सेम चीज करती हूँ। अच्छा वन का डी क्यों हुआ, इसका रीजन पता है? ट्रॉपिकल क्यों बोला? हाँ बता रही हूँ, बता पंकज सिक्स वाला क्वेश्चन वन का बताओ मेरे को एक बार। पहले है कुछ आइडिया क्वेश्चन वन में, मतलब क्यों ये आंसर हुआ? क्योंकि आपको पता है अगर मैं आपके इकोसिस्टम की बात करूँ, मतलब इन्वायरमेंट की बात हो, तो सबसे ज्यादा हमारे हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वर्ल्ड पे क्या है सबसे ज्यादा? एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, क्या है? वाटर है, या प्लांट्स मतलब इकोसिस्टम के वे में बात करो, अगर पॉन्ड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड है, या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है? नहीं बेटा एक बार आप लीव करके ज्वाइन करो ना, शायद आपकी साइड बाकी सबको तो वॉइस क्लियर आ रहा होगा ना। रही। यस मैम, यस यस एक मैम, मिनट, मुझे भी कट हो रही है। हो कट हो रहा है सबके साथ, कट हो रहा है मेरा वॉइस, रहा है मेरा वॉइस? पहले अभी क्लियर है मैम, पहले क्लियर है। हो तो जिसका हो रहा है ना, तो एक बार करके ज्वाइन कर लो तो मे बी कुछ प्रॉब्लम होगा। तो हाँ मैं बताती हूँ, हाई डेंसिटी ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाएंगे? जनरली सबसे हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया और ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, मतलब तो प्लेन्स पे ज्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। और प्लेन्स वाला एरिया कहाँ पे आता है आपका? ट्रॉपिकल में आता है सबसे ज्यादा, है ना? यस मैम, और ये वाले कुछ मतलब इसमें ना आप जब पढ़ोगे ना तो कुछ चीजें आपको ऐसे लगेगा कि आपको पहले इकोसिस्टम वाला चैप्टर पढ़ लेना चाहिए था, उसके बाद जब इस इन डीपीपीस को सॉल्व करोगे तो और ज्यादा क्लैरिटी से सारी चीजें समझ में आएंगी। कॉम्पिटिशन फॉर लाइट न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस इज मोस्ट सीवियर बिटवीन लाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और स्पेस के लिए। इन तीनों चीजें में कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा किस में होगा? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, अलग अलग सेम हैबिटेट में, हैबिटेट, सेम सेम हैबिटेट हैबिटेट। में उसकी रिलेटेड इंडिविजुअल्स जो होंगे, है ना? तो बी होना चाहिए इसका तो आंसर, टू का बी है। यस मैम, अब म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन एसोसिएशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ बोथ पार्टनर्स। म्यूचुअली तो म्यूचुअली होता है तो म्यूचुअलिज्म बोलना ए चाहिए, मैम, ए होगा यस राइट। मैम, फोर्थ, प्रेइंग मैंटिस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ। प्रेइंग मैंटिस हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? जैसे कि याद है अगर आप लोगों ने वो इवोल्यूशन वाला चैप्टर, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने एक वो एग्जाम्पल बताया था, उसमें इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आप लोग पेपर्ड मैम मोथ थी, मुलेरियन मेमिक्री। हाँ पेपर्ड मोथ जो हमारी थी, तो पेपर्ड मोथ क्या कर रही थी? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो उनका क्या सा था, वो ट्री का कलर, ट्री के ऊपर लाइकन था, लाइकन का कलर व्हाइट होता है तो व्हाइट वाली सर्वाइव कर रही थी, है ना? फिर अगर उनको अपने अंदर इवोल्यूशन करना होगा तो इवोल्यूशन जैसा उनका इन्वायरमेंट है, मतलब जैसा ट्री का साइज डार्क है तो वहां पे डार्क कलर वाली सरवाइव कर रही थी, वो तो ये था कि कौन सी वाली सरवाइव कर रही है। लेकिन अगर मैं एडेप्टेशन की बात करूँ, ट्रीज का कलर डार्क हो गया, तो हमारी जो पेपर्ड मोथ है अगर वो अपने अंदर इवोल्यूशन कर रही है, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को रिजेंबल करा रही है इन्वायरमेंट से, अपने आप को प्रे से, अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए, प्रे के अंदर किए जाने वाले चेंजेस टू सिक्योर देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रेइंग मैंटिस। जो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है केमोफ्लोस का। केमोफ्लोस क्या होता है? केमोफ्लोस का मतलब ये होता है कि कोई भी एनिमल, कोई भी इंसेक्ट अगर अपने कलर के अंदर चेंजेस करता है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही अपने अंदर अपने कलर को ब्लेंड करा लेता है, तो इस डेफिनेशन को लिख लो, केमोफ्लोज
इज अ नेचुरल कलरिंग ऑफ एन एनिमल विच एनेबल इट टू ब्लेंड इन विद इट्स सराउंडिंग. तो लिखवा दो डेफिनेशन. एग्जाम्पल होगा इसका कीमोफ्रेज ब्लेंडिंग इन कलर विद रिजेंबलेंस टू सराउंडिंग. क्लियर? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट पढ़ो जरा. अच्छा मेंटिस वर्ड का मतलब समझते हैं? मेंटिस मेंटिस क्या होता है? मेंटिस का मतलब होता है कि किसी को कोई चीज पहले से फील हो जाना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रे है वो अपने आप को बचाने के लिए पहले से अपने अंदर चेंजेस कर रहे हैं. तो इसका मतलब इनको होता है ना, जो होता है ना जो फॉर्चून टेलर होता है, जो आपको भविष्य बता रहे होते हैं, उनको बोलते हैं ना मेंटर्स है. वो मेंटीज कर रहे हैं, फॉर्चून बता रहे हैं, आपका भविष्य बता रहे हैं. तो भविष्य बता रहे हैं मतलब आपको पहले से पता चल गया कि आपको रोड पे नहीं जाना है इस डेट में, तो आप उस रोड पे नहीं जाओगे. आप कुछ ना, अगर जाओगे भी तो सेफ्टी मेजर्स वहां पे यूज करोगे सबसे ज्यादा रोड क्रॉस करते टाइम. तो सेम हमारा प्रे नहीं किया गया, अपने उनको कैसे पता कि प्रेडेटर आके उनको खाएंगे? उन्होंने अपने अंदर पहले से चेंजेस किए. तो इसको बोलता है प्रेइंग मेंटिस. प्रे को जब उनको फॉर्चून टेलर टाइप से मतलब अपना पता चल जाता है कि प्रेडेटर आगे खाएंगे, तो उनको पहले से ही वो अपने आप को प्रिपेयर करके रख रहे होते हैं जब. ठीक है. ओके मैम. नेक्स्ट, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी विच आर, सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म आता है ना. ऑर्गेनिज्म नहीं दिया हो तो पॉपुलेशन स्पीसीज ले लो, वैरायटी, इकोसिस्टम, कम्युनिटी. एमडी होगा. एमडी. ए नहीं हो सकता? यस मैम. एक पॉपुलेशन, उसके बाद स्पीसीज, फिर बहुत सारी स्पीसीज मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं, फिर बहुत सारी कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम बनाती हैं. हम लेकिन पॉपुलेशन स्पीसीज मिला के होते हैं ना. पॉपुलेशन क्या क्या हम स्पीसीज जो होती है वो तो सबसे छोटे लेवल पे होती है ना, उसको मिलाकर बनाते हैं. छोटे लेवल पे होती है, लेकिन हम लोगों ने जिस वे में पढ़ा है, हम लोगों ने सबसे और पहले ऑर्गेनिज्म लेवल पे पढ़ा, ऑर्गेनिज्म के बाद हम डायरेक्ट पॉपुलेशन लेवल पे गए. तो पॉपुलेशन के अंदर ही तो स्पीसीज होती है. दो अलग अलग टाइप की स्पीसीज हो गई. स्पीसीज का मतलब क्या होता है? बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक ही ग्रुप बना के अगर रह रहे, मतलब एक ही पॉपुलेशन के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है? तो सबसे छोटे वाला पॉपुलेशन का मतलब होता है एक ही पॉपुलेशन, मतलब एक ही टाइप की स्पीसीज जब एक प्रॉपर एरिया में एक प्रॉपर टाइम पे रह रही होंगी. ठीक है. स्पीसीज का मतलब हो गया कि एक ही जगह पे, मतलब एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, एरिया नहीं बोलेंगे, एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जिसमें एक से ज्यादा पॉपुलेशंस हो सकती हैं, एक से ज्यादा पॉपुलेशंस उसके अंदर. फिर वो सारे के सारी पॉपुलेशंस मिलके वो बहुत सारी स्पीसीज कम्युनिटी बनाएंगे. फिर कम्युनिटी के बाद हमारा पूरा इकोसिस्टम. वही. तो इसका आंसर होगा ए. इसका ट्रिपिकल एंड क्लोज रिलेटेड म्यूचुअलिज्म केमोफ्लेज. की स्टोन स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, की स्टोन स्पीसीज कौन सी होती है जो इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रही होती है? कौन दिखाएगी सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोसिस्टम? डी. डी बस लिख लो इस पॉइंट को भी. की स्टोन स्पीसीज कौन से स्पीसीज है जो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर होता है हमारे इकोसिस्टम का? नीक क्या होता है? दो स्पीसीज जब सेम टाइप के एट्रीब्यूट्स रखती हैं, एट्रीब्यूट्स जो रख रही होती हैं,
शेयरिंग ऑफ मोर देन वन स्पीसीज बिटवीन द टू, मोर रिसोर्सेज बिटवीन टू स्पीसीज, इसको बोलेंगे नीक. मैम इसका बी है ना? इसका बी होगा. पढ़ो उनको 8, 9, 10 और 15. हम 8 का ए है. एनिमल्स दैट कैन टॉलरेट नैरो रेंज, जो नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी. एक टर्म बताया था स्टीनो और एक बताया था यूरी. स्टीनो नैरो होता है, यूरी मतलब वाइड रेंज जो टॉलरेट करता है. ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ा है ना? यस मैम. मैम डी. हाँ शायद बेटा 8:30 बजे क्लास होगी, लेकिन 8:30 बजे वाली क्लास में ना मैं मतलब आपकी तो दूसरे सब्जेक्ट की होगी ना, जो यहाँ पे बैच नंबर 8, 9, 10 वाले होंगे. यस मैम केमिस्ट्री की. आपका दूसरे सब्जेक्ट का क्लास होगा, मेरे पास मेरा बायो का क्लास है जिसमें मैं प्लांट फिजियोलॉजी करा रही हूँ. क्या होना चाहिए बच्चों 9th का? मैम डी. या डी होने के आगे रेगुलेटेड बाय फॉलोइंग द नेशनल फैमिली प्लानिंग. भाई हम दो हमारे दो स्लोगन वगैरह वो सब सीखा था हमने उसमें. 10th वाला करो, बस 10 ही क्वेश्चन करते हैं आज, बाकी के नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर को बिल्कुल सॉर्टेड बना लेंगे हम लोग अपना. मैम 10th का बी होगा क्या? कंसीडर द फॉलोइंग फॉर कंडीशंस, वंडरफुल एंड सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ देम एज एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट इन डेजर्ट लिजार्ड. डेजर्ट लिजार्ड ने क्या किया था? सिर्फ अपने आप को ब्यूरो कर लिया था, है ना? यस मैम. इसके हाई टेम्परेचर, लूजिंग हीट रैपिडली फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, में हीट तो नहीं लॉस किया था. बस्किन सन वन टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर तो लो नहीं था, हाई था. इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू थिक फैटी डर्मिस, थिक फैटी डर्मिस वाला किसने किया था? थिक फैटी तो पोलर का था ना? हाँ बोला वाला. लिजार्ड, लिजार्ड ने तो नहीं किया था. लिजार्ड ने तो सिर्फ ब्यूरोइंग किया था. वन है, बी होगा ना? हाँ बी होगा. ओके मैम चलो आज यहीं तक रखते हैं. 15 का बी होगा. 15 का लॉजिस्टिक. अच्छा लॉजिस्टिक वाला कौन सा था हमारा? एस शेप वाला था, और सिग्मोइडल वाला जे शेप था. डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के. बी होगा ना इसका? हाँ यस मैम. देखो ए और बी में, ए और बी में छोटा सा डिफरेंस है, बस आर और एन को पहले और बाद में लिख दिया है. वैसे अगर हम नॉर्मली मैथ्स वाले फॉर्म में देखें तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे फर्क. मैम उसमें डीटी और डीएन भी. हाँ डीएन बाई, हाँ उसमें अलग दिया हुआ है वो भी, डीएन बाई डीटी. मैम है तो आंसर इसका बी. हाँ बी ही आंसर है. चलो यहीं पे फिनिश. ओके मैम, थैंक यू मैम. एंड नेक्स्ट क्लास में बच्चों इस चैप्टर का प्लीज एनसीईआरटी पढ़ के आना, सारे नोट्स रिवाइज करके आना, क्वेश्चंस करेंगे और अलग अलग क्वेश्चंस और करेंगे, तो और अच्छे अच्छे हम लोगों को पॉइंट्स मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं.